हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिज्म में अपवर्तन या फिर प्रिज्म का समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं कि प्रिज्म में अपवर्तन समझाइए, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है प्रिज्म के लिए समीकरण प्राप्त करें या उत्पन्न करें। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा प्रिज्म में अपवर्तन। और टॉपिक में अगर देखें तो फर्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है प्रिज्म, और सेकंड देखें तो अपवर्तन। और अपवर्तन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और अपवर्तन का मतलब क्या होगा? अपवर्तन का मतलब ये होगा कोई भी प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मीन्स कि अगर माध्यम बदल रहा है, एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में गति कर रहा है, तो वहां पे जब माध्यम बदल रहा होगा उस सतह पर उसकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ठीक है, और बात अगर हम करें प्रिज्म के, तो प्रिज्म क्या होता है? एक त्रिभुजाकार का कांच का बना एक साधन होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार का पूरा कांच का बना हुआ एक साधन होता है। और उसका यूज क्या करते हैं? उसका यूज एक तो ये होता है कि कोई भी अगर श्वेत प्रकाश को उस पर हम आपतित करें, श्वेत प्रकाश को अगर उसकी एक सतह पर आपतित करें, तो उसकी दूसरी सतह से हमें श्वेत प्रकाश के सात विघटन या प्रकाश के जो घटक होते हैं सात कलर में, वो हमें वहां पे दिखाई देते हैं। इसकी प्रकाश को उसके घटकों में के रूप में विभाजित करने का काम कौन करता है? प्रिज्म करता है। ठीक है, और प्रिज्म की अगर हम बात करें तो त्रिभुजाकार में इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे मिस की यहाँ सामने से तुम देख रहे हो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? एक त्रिभुजाकार दिख रहा है। मिस की यहाँ पे भी पूरा कांच का होगा, इसके इस तरह से होगा। सामने भी पूरा कांच होगा, ये भी कांच होगा, पीछे भी कांच होगा, और इस तरफ भी कांच होगा। हमें किसके लिए लेना है? हमें ये वाली सतह, देखो ये पूरी कांच की बनी होगी, तो यहाँ से हमें प्रकाश को आपतित करना है, और यहाँ से जब प्रकाश बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आपतित होगा, यहाँ से प्रकाश बाहर निकलेगा, और तुम जब सामने से देख रहे हो, तो सामने से देख रहे हो, तुम्हें क्या कर रहा है? त्रिभुजा आकार दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले एक चित्र बना लेते हैं। चित्र में अगर हम देखें तो चित्र ये बना लेते हैं, ये हो गया हमारा त्रिभुज, और इसको क्या बोलते हैं हम? ये क्या है? प्रिज्म है। ठीक है, पूरा कांच का बना होगा, तो हमें ये सतह और ये वाली सतह से, जैसे अभी मैंने बताया, तो ये वाली साइड वाली और उस साइड वाली जो सतह थी उससे हमें मतलब है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं? प्रकाश आपतित कर देते हैं। और प्रकाश आपतित करने के लिए हमने एक चीज और देखी, वहां पे क्या करता है? जब आपतित किरण होती है तो क्या बनाती है? आपतन कोण बनाती है। और आपतन कोण बनता है किसके साथ है? किसी अभिलंब के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? सतह के लिए अभिलंब बनाते हैं। और अभिलंब मतलब क्या होता है? कोई भी सतह के लंबवत। हमने जैसे आगे देखा है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये सतह अगर हो, तो इसके लिए अगर हमें अभिलंब बनाना हो तो ये होगा। ठीक है, तो जो भी सतह होती है उसकी कैसे होता है? एकदम लंबवत। अब सतह को अगर मैं ऐसे टेढ़ा कर दूं, थोड़ा ढलान वाला बना दूं, अब सतह अगर ऐसे ढलान वाली होगी, तो अब इसके लिए जैसे मान लो अभिलंब इस तरह है, तो अगर इसको मैं ऐसे बनाऊंगा तो अभिलंब भी हमारा क्या हो जाएगा? बन मुड़ जाएगा। और अभिलंब मुड़ जाता है तो मान लेते हैं कि अभिलंब हमारा हो गया इस दिशा में, और इस सतह के लिए अगर हम देखें तो अभिलंब होगा हमारा इस तरह से। तो ये दोनों लाइन हमारी किसके लिए हो गई? अभिलंब के लिए। जैसे इसको नाम देते हैं ये एन, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, और जो प्रिज्म है या फिर जो त्रिभुज आकार है, ठीक है, इसको भी नाम देते हैं। जैसे इसको हमने नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, और इसको नाम दे दिया सी। और प्रिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर प्रिज्म की हम बात करें, तो प्रिज्म के सभी भुजाओं का माप कैसा रहता है? समान रहता है। अब सभी भुजाओं का मान समान रहता है मतलब कौन से आकार का हो गया? तो प्रिज्म की अगर हम बात करें, तो प्रिज्म के सभी भुजाओं का मान समान रहता है मतलब कौन सा आकार हो गया? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाओं का माप समान होता है। और एक चीज वहां पे होती है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके भुजाओं का माप अगर समान है, तो साथ साथ में कोणों का मान भी क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, और कितना रहता है? तो उसके लिए क्या करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 को अगर तीन समान भाग में हम डिवाइड करें, ठीक है, तो तीन से डिवाइड कर देते हैं, तो 180 डिवाइड बाय 3 हमारा कितना हो जाएगा? 60। इसकी एक कोण का मान कितना रहेगा? 60। ये चीज तुम्हें अगर दे है या नहीं दे, तो भी तुम्हें मान के चलना है। अगर इसके अलावा और कोई आकार का होगा, जैसे समद्विबाहु बाजू में इसकी दो भुजाएं समान हो, तो उसके लिए कुछ चीजें तुम्हें न्यूमेरिकल में अलग से लिख के देंगे। और नहीं लिख के दे मतलब तुम्हें ये चीज मान के चलनी है कि तीनों कोणों का मान कितना रहेगा यहाँ पे? 60 डिग्री। ठीक है, और तीनों भुजाओं का माप कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। चलो, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, तो अब देखो यहां से हमें क्या करना है? एक किरण आपतित करनी है। उस किरण को अगर हम आपतित करें, तो जैसे मान लेते हैं यहां से एक किरण क्या हो रही? आपतित हो गई, ये रही। ठीक है, किरण को नाम दे देते हैं पी, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं
क्यूब, और यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को हम नाम दे देते हैं आई। आई क्यों? क्योंकि आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा आई। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, हवा है, और ये किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। तो इस पॉइंट पर जब देखेंगे तो प्रकाश क्या कर रहा है, हवा से केस में जा रहा है, कांच के अंदर जा रहा है। इसकी माध्यम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और जब भी माध्यम में परिवर्तन होगा तो उसकी दिशा में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और दिशा में परिवर्तन के लिए दो चीजें देखिए, अगर अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा हो, अपवर्तनांक का मान अगर बढ़ रहा हो तो कोण का मान क्या होगा, कम होगा, और अपवर्तनांक का मान अगर कम हो रहा है तो कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। वो कैसे, उसके लिए अगर हम सिंपल सा फॉर्मूला देखें तो ये होता है आई एन वन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू थीटा टू। तो इसको हम मान लेते हैं एन वन, और इसके अपवर्तनांक को मान लेते हैं एन टू, और हवा का अपवर्तनांक होता है 1, और कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो एन वन से किसके अंदर जा रहा है, 1.5 के अंदर, मिसकी 1 के अंदर से किस, 1 से किस में जा रहा है, 1.5। मिसकी जब हवा से कांच में जाएगा अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है तो दोनों चीजें इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ जो एंगल उसको कम करना पड़ेगा, और इसके साथ जो एंगल है कोण उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मान लेते हैं कि ये थीटा वन है, तो यहाँ पे जो दूसरा कोण बनेगा वो क्या होगा, थीटा टू होगा। तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान अगर बढ़ रहा है तो थीटा टू का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये चीज एक याद रखना, अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा हो तो कोण का मान कम होगा। ठीक है, तो अगर और एक चीज मान लेते हैं, जैसे अगर यहीं पे क्या होता, पूरा हवाई होता, कि अब ये चीज मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता, हवाई होती। ठीक है, तो प्रकाश क्या करता, सीधे रेखा में गति करता, क्योंकि जब तक माध्यम नहीं बदलेगा तब तक दिशा नहीं बदलेगी। ठीक है, तो हवा होता तो क्या करता, वो इस दिशा में गति करता। ठीक है, जो रेड वाली लाइन है। ठीक है, लेकिन माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है तो दिशा भी बदलेगी, और दिशा में देखा क्या कि इसका मान बढ़ रहा है तो थीटा का मान कम होगा, मतलब इसकी तुलना में कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रकाश यहाँ जाने की जगह कहाँ चला जाएगा, इस दिशा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया हमारे लिए, अपवर्तित किरण। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, देखो ये अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को हम यहाँ से दर्शा देते हैं आर वन से। अपवर्तन कोण को हम किससे दर्शा देते हैं, आर वन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक कोण और बन रहा है, ये वाला, इस कोण को हम बोलेंगे डेल्टा वन। और डेल्टा वन क्या होता है कि विचलन कोण। कोई भी अपनी चीज अपने अगर जगह से, स्थिति से या दिशा से बदल जाती है तो उसको हम ये बोलते हैं कि वो विचलित हो चुका है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मान लो कोई दिशा में कोई मार्ग पे जा रहा है, वो उस दिशा भटक जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हो चुके, विचलित हो चुके हैं। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं कि प्रकाश यहाँ जा रहा था लेकिन उसकी दिशा बदल गई, इसकी वजह से वो क्या हुआ, विचलन हुआ। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या बोलेंगे, विचलन कोण। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे खत्म। अब अगर देखिए इस पॉइंट पे जब वापस आएगा प्रकाश, गति करते करते आएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आर। ठीक है, तो अब प्रकाश जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो कहाँ गति करेगा, कांच से हवा में, क्योंकि यहाँ पे वापस क्या आ जाएगी, हमारी हवा आ गई। तो अब यहाँ से क्या, प्रकाश कहाँ गति करेगा, कांच से हवा में, और कांच से हवा में गति करेगा तो अब क्या आ रहा है, अपवर्तनांक का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि हवा आ गया तो वापस इसका अपवर्तनांक का मान कितना हो गया, 1। तो अपवर्तनांक का मान कम हो रहा है तो प्रकाश कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूरा कांच ही होता तो ये क्या करता, ऐसे सीधी रेखा में गति करता। ठीक है, बट अब कांच तो है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, दिशा बढ़ेगी, कोण का अपवर्तनांक का मान कम हो रहा है तो कोण का मान बढ़ेगा, मतलब इससे कोण क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रकाश गति करेगा इस दिशा। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं एस। तो यहाँ पे जो किरण है वो किस तरह से गति कर रही है, प्रकाश की जो किरण है वो पी से क्यू, क्यू से आर, और आर से एस की दिशा में। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे और एक बार दिशा बदल रही है। ठीक है, प्रकाश जाना चाहिए था इस दिशा में लेकिन वो चला गया इस दिशा में, यहाँ पे और एक बार विचलन हुआ। तो और एक बार विचलन हुआ तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा टू, दूसरी बार जो विचलन कोण हुआ। ठीक है, और अभिलंब के साथ यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। निर्गत का मतलब होता है कोई भी चीज बाहर निकलना। तो यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है, कांच में से हवा में वापस बाहर निकल रहा है, यहाँ से एंटर किया था और यहाँ से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। इसके लिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसको हमने क्या से दर्शा दिया, ई से। ई का मतलब होता है इमर्जेंट, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट। और इमर्जेंट के लिए वहां पे क्या यूज किया हुआ, ई। और ई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कोण पे, यहाँ पे भी कोण बन रहा है, इसको आर वन नाम दिया था, इसको आर टू नाम दे देते हैं।
ठीक है। और दूसरी चीज अगर इसी प्रकाश को बात करें, देखो इनिशियली अगर कांच पूरा का पूरा हवा होता है तो प्रकाश कहाँ जाता है, तुम्हारा पी से क्यू इस दिशा में जाता है, लेकिन वो चला कहाँ गया, इस दिशा में। तो कुल कितना विचलन कोण हो वो अगर मापना हो तो इस लाइन को क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे लेके चले जाओ, ठीक है, इस लाइन को पीछे लेके चले जाओ। तो यहां से देखो प्रकाश जाना चाहिए था इस दिशा में, चला गया इस दिशा में, प्रकाश जाना चाहिए था इस दिशा में, चला गया इस दिशा में। तो कुल कितना विचलन हो रहा है इन दोनों के बीच में, जो कोण होगा, और उसको हम किससे दर्शा देते हैं, डेल्टा से, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये डेल्टा टू है, तो इसके सामने का कोण इतने से की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो डेल्टा कोण, सामने सामने के कोण क्या होंगे समान, ये डेल्टा टू, तो इसके सामने का कोण ये भी क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा टू, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा चित्र खत्म होता है, और कुछ समझने की जरूरत नहीं, चित्र में इतनी चीज क्लियर रहेगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं समीकरण के लिए। तो समीकरण के लिए अगर हम देखें तो पहले दो बिंदु में नहीं मिल रहे उनको भी नाम देते हैं, जैसे एक बिंदु यहाँ मिल रहा है और एक बिंदु में यहाँ मिल रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं M और इसको नाम नाम दे देते हैं N, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक चतुर्भुज को कंसीडर करेंगे, चतुर्भुज कौन सा, ए क्यू एन आर, एक चतुर्भुज कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा, ए क्यू एन और आर, ठीक है, एक चतुर्भुज हो गया ए क्यू एन आर के लिए, ठीक है। और इसमें अगर हम चीज देखें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। तो चारों कोणों का योग हम क्या लिखेंगे 360, तो कोण कौन कौन से होंगे यहाँ पे, कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण एन प्लस कोण आर इक्वल टू 360, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यू क्या कर रहा है, क्यू बिंदु यहाँ पे है और आर बिंदु यहाँ पे, और ये इस बिंदु के साथ, ये इस भुजा के साथ जो कोण बन रहा है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अभी बताया था कि ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है मतलब यहाँ पे कोण कितना बन रहा होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे दो कोणों के मान हमें पता है, किसकी, क्यू और आर के, क्यू यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये आर का और ये हो गया क्यू का। तो दोनों कोण अगर हम देखें तो दोनों कोणों का मान कितना है 90, और इसका भी कितना होगा 90, क्यों, क्योंकि दोनों अभिलंब के द्वारा बन रहे कौन है, ठीक है। तो उन दोनों को मान लिख देते ए प्लस 90, और इसका मान भी हो गया 90 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, 90 प्लस 90 180, और 180 इक्वल की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 360 में से 180 गया तो क्या बचेगा 180। तो यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू 180, समीकरण नंबर एक, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे हम एक चीज और देखें, अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज की चर्चा करेंगे, अब कौन से त्रिभुज की चर्चा करेंगे वो भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज में बोल रहा हूँ क्यू एन और आर, त्रिभुज क्यू एन और आर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, त्रिभुज Q, N और ये हो जाएगा हमारा R, और यहाँ पे कोण कितना है R1, यहाँ पे कोण कितना है R2, और ये हमें नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन से होंगे, Q, N, R, या फिर Q की जगह पे क्या लिख सकते हो R1, और R की जगह पे क्या लिख सकते हो R2, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। तो वो चीज भी लिख सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 180, तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन सा, कोण R1 R2 प्लस कोण N और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दो। अब देखो इन दोनों का योग भी क्या है, सॉरी यहाँ पे एक देखो मिस्टेक हो गया, ये N की वैल्यू नहीं रहेगी, R की वैल्यू 90 है, ठीक है। देखो तेज हो जाएगी। अब यहां से अगर हम देखें तो इन दोनों का योग भी क्या है 180, और इन तीनों का योग भी क्या है 180 है, तो दोनों 180 180, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं इक्वल बोल सकते हैं, इन तीनों का मान इन दोनों के बराबर होगा, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। कोण R1 और R2 को हम डायरेक्टली R1 R2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा कोण N इज इक्वल टू 180, और 180 की जगह क्या लिख सकते हो कोण A प्लस कोण N, और दोनों तरफ से अगर हम देखें तो कोण एन क्या हो जाएगा कैंसल। तो अब हमारे लिए फाइनली क्या बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है।
अब देखो, अब इसके बाद अगर हम चीज एक देखें, ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे विचलन कोण के लिए। विचलन कोण के लिए क्या चीज देखना है, वो चीज एक बार बताया था। जैसे अगर हम बात करें इस कंडीशन से, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, I इज इक्वल टू I का मान इन दोनों के बराबर हो, क्योंकि सामने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे सामने दो कोण बन रहे हैं, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, I के बराबर। तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, यहाँ से एक चीज हमें मिलेगी, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वन प्लस आर वन। और उसी तरह से अगर हम दूसरा कोण यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे भी दो कोण बन रहे, डेल टू आर टू, और दोनों का योग इसके ऑपोजिट कोण, इसके सामने का कौन कौन सा E, तो उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे दूसरा हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू डेल टू प्लस आर टू। ठीक है, एक चीज वापस देख लेना, इसके सामने के कोण क्या होते, समान होते। तो यहाँ पे है I और सामने है आर वन डेल वन, और यहाँ पे E और सामने है डेल टू आर टू, इसलिए इन दोनों का योग I के बराबर होगा और इन दोनों का कोण भी E के बराबर होगा। ठीक है, इतनी चीज एक बार देख लो। अब देखो, अब इसमें से भी क्या करना है, इसमें से अगर हम डेल्टा वन को और इसमें से डेल्टा टू को करता करें, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा वन को अगर हम करता करें तो प्लस आर वन है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो डेल्टा वन के लिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा वन इज इक्वल टू आई माइनस आर वन, और डेल्टा टू को अगर करता करो तो प्लस आर टू, इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, ई माइनस आर टू। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, अब यहाँ पे हमें एक चीज और कंसीडर करना है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है और उसका जो बहिष्कोण होता है, ठीक है, तो पहले वो चीज देख लेते हैं, बहिष्कोण क्या होता है वो चीज के लिए। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, अब देखो त्रिभुज में हम मान लेते हैं, जैसे कोई त्रिभुज हमारा पी क्यू आर, ठीक है, ये मान में अगर मान लो है 30 डिग्री, ये मान में मान लेता हूं अगर है, मान लेते हैं 40 डिग्री। ठीक है, तो हम अगर हमें ये मान ज्ञात करना, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इस कोण को हम बोलेंगे बहिष्कोण। त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के साथ त्रिभुज के बाहर की तरफ, बहिष्कोण का मतलब ही क्या होता है, बाहर की तरफ। त्रिभुज के किसी एक भुजा के साथ बाहर की साइड अगर कोई कोण बनता है तो उस कोण को हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। ठीक है, वो ज्ञात अगर हमें करना हो तो उसके बाजू में जो कोण है उसको छोड़ के, उसके बाजू में जो कोण है उसको हम छोड़ के, उसके अलावा जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे है 30 और ये 40, तो इसका मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70। डायरेक्टली लिख सकते हो इजीली, 9-10 में ऑलरेडी स्टडी किया, और नहीं किया तो देखो मैं और भी बता देता हूँ डिटेल में, अगर हम देखना तो उसके लिए हम ये चीज मान सकते हैं। चलो, हमें नहीं पता है सर ये बहिष्कोण का है रूल, हमें नहीं पता है कि हमने कभी नहीं पढ़ा है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, चलो तो प्रूफ कर लेते हैं। देखो, उसमें ये चीज है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का हमें पता है योग कितना होता है, 180, तो दो कोणों का मान हमें पता है 30 और 40। तो अगर आर के त्रिभुज का मान, आर के कोण का मान अगर हमें चाहिए, तो अब हम याद कर सकते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो उसमें से ये हो गया 30 और ये 40, 70 हो चुके, तो इसका कोण का मान कितना होगा, 110। ठीक है, तो इस कोण का मान कितना होगा, 110, ये तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 30, 40 और 110 कितने हो गए, 180। ठीक है, अब ये चीज मान ली। और दूसरी चीज हमने ये जरूर पढ़ी है कि पास पास के दो कोणों का योग कितना होता है, 180, मींस कि यहां से लेके ये कुल कोण कितना होता है, 180, ये तो पढ़ा हुआ है। और 180 में से अगर ये 110 है तो ये कितना बचेगा, 70। देखो, वैसे भी कर सकते हो, बट ये हर बार करने की जरूरत नहीं, इसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो 30 प्लस 40 और 70। इसके लिए अगर तुम चाहो तो दूसरे कोई भी अलग अलग मान लेके भी तुम यहाँ पे जरूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बहिष्कोण की बात करें, तो देखो बहिष्कोण में यहाँ पे है एक त्रिभुज, में बता रहा हूँ कौन सा, क्यू आर एम। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये एम, ये है क्यू और ये है आर, और यहाँ पे एक त्रिभुज, यहाँ पे कोण है डेल्टा वन और यहाँ पे कोण है डेल्टा टू, और ये हमने दिया हुआ है डेल्टा। अभी जैसे मैंने बताया कि इस त्रिभुज के लिए क्या हो गया, ये बहिष्कोण हुआ, तो इन दोनों का कोण का योग क्या होगा, किसके बराबर होगा, बहिष्कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, दोनों का योग किसके बराबर होगा, बहिष्कोण के बराबर होगा। जैसे 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70। ठीक है,
तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। और देखो डेल वन और डेल टू हमने ज्ञात किया हुआ है, तो दोनों का मान रख दो और थ्योरी आप देखो एक दो स्टेप में वाली खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये होगा डेल्टा, डेल वन की जगह पे क्या लिख सकते हो, आई माइनस आर वन, और डेल टू की जगह पे ई माइनस आर टू, और इसीलिए हमने डेल वन और डेल टू ज्ञात किया था। ठीक है, अब देखो आई माइनस आर वन और आर टू कॉलम अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा आर वन प्लस आर टू, यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला बचेगा आर वन प्लस आर टू, और आर वन प्लस आर टू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए, तो हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, एंड आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा माइनस ए। और इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण याद रखना, और इस समीकरण से बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। देखो तो डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा विचलन कोण, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे आपतन कोण, ई क्या हो गया यहाँ पे निर्गत कोण, और ए क्या हो गया प्रिज्म कोण। ए को हम क्या बोलेंगे प्रिज्म कोण। ठीक है, तो फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से फिर नोट डाउन कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो कोई स्टेप ना पता चला हो तो नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो। चलो हो गया, तो अब देखो इसी के बाद एक कंडीशन आती है न्यूनतम विचलन कोण के लिए क्या करना है। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है, और यहां पे हमें एक परिस्थिति दी है कि अगर जो विचलन कोण है इसको हमें क्या करना होगा न्यूनतम करना हो, इनमें से जो प्रकाश की दिशा बदल रही है उसको अगर हमें कम से कम करना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी उसके लिए देखते हैं। पहले तो हम क्या कर देते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो फॉर्मूला लास्ट हमारा क्या आया था डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, और यहाँ पे अब मैं परिस्थिति लिख रहा हूँ। ठीक है, परिस्थिति इसी के अंदर आती है, अगर क्वेश्चन तुम्हें पूछे तो लिख सकते हो क्या आएगा न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए। ठीक है, और न्यूनतम विचलन कोण के लिए देखो यहाँ पे दो परिस्थिति है, ये दो परिस्थिति याद रखने है बस और कुछ नहीं है। दो परिस्थितियों में यहाँ पे क्या आएगा, एक तो होगा हमारा आई इक्वल टू ई, और दूसरा हम लिख सकते हैं आर वन इज इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर। यहाँ पे जैसे अभी हमने लिखा था आर वन प्लस आर टू, वहां पे दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाए, और आपतन कोण और निर्गत कोण का मान भी क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो वहां पे जो विचलन होगा क्या होगा सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है, तब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। ठीक है, तब इसके लिए अगर फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या जाएगा आई प्लस आई माइनस ए की जगह पे ए रहने दो। ठीक है, और अब देखो न्यूनतम विचलन कौन है, तो उसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा बदल देते हैं। जैसे वहां पे हमने क्या डिसाइड किया था कि यहाँ पे हमने इसको डेल्टा से दर्शाया, तो न्यूनतम विचलन में और विचलन में पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं डी एम भी लिख सकते हैं। अब डी एम क्यों लिखा, एम का मतलब तो चलो हो गया न्यूनतम, मतलब किसके लिए मिनिमम के लिए, और विचलन का मतलब क्या हो सकता है डिफ्लेक्शन, विचलन का मतलब क्या हो सकता है डिफ्लेक्शन, इसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं डी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारा फाइनली अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या आ जाएगा डी एम इज इक्वल टू टू आई माइनस ए, और ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस ए इक्वल किस तरह आएगा तो प्लस, हमारा आई के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा टू आई इज इक्वल टू डी एम प्लस ए। ठीक है, और टू मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा डिवाइड में, तो आई के लिए फॉर्मूला क्या जाएगा डी एम प्लस ए डिवाइड बाय टू। ठीक है, और दूसरी एक कंडीशन हमने क्या ली है आर वन इज इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर ए, तो उसके लिए अगर हम देखें तो आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, ये समीकरण भी हमने निकाला था,
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर वन और आर टू की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। तो हमारे लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, आर प्लस आर इज इक्वल टू ए, सो टू आर इज इक्वल टू ए, तो आर के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए बाई टू। देखो तो यहां से हमें दो चीजें मिल गई, एक तो आई का मान मिल गया और एक आर का मान मिल गया। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए अगर हम देखें तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने एक ऐसे सतह बनाई थी और यहां से हमने किरण को आपतित किया था और यहाँ पे एक पॉइंट था। देखो यहां से हमने प्रकाश को आपतित किया था और यहाँ पे एक बिंदु बनाया था हमने क्यू और यहाँ पे एक अभिलंब था और यहाँ पे कोण बन रहा था आई और यहाँ पे जब प्रकाश वापस ऐसे तो यहाँ पे कोण बन रहा था आर वन और आर वन को हम क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु के लिए अगर हम क्यू बिंदु पे हम क्या करेंगे, स्नेल नियम लगाए। स्नेल का नियम हमारा क्या था, एन वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू एन टू साइन थीटा टू। ठीक है, तो एन वन साइन थीटा वन मतलब पहले माध्यम में जो कोण बन रहा है, तो पहले माध्यम हमारा कोण क्या बन रहा है, आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, और दूसरे माध्यम में यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, आर, तो थीटा टू की जगह पे क्या लिखेंगे हम, आर। तो स्नेल का नियम क्या हो जाएगा हमारा, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। ठीक है, और इसीलिए देखो हमने आई और आर का मान क्या किया, वो यहाँ पे हमें रखना है। ठीक है, और कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर हम एन वन की बात करें तो एन वन यहाँ पे था और कौन सा माध्यम था, हवा, तो हवा के लिए क्या होता है, वन, तो एन वन का मान तो हो गया वन। तो अब यहाँ से हम अगर एन टू को करता करें तो एन टू को जैसे ही करता करो तो क्या आ जाएगा, साइन आर गुणाकार में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एन टू इज इक्वल टू एन वन साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आर मल्टीप्लाई में था तो इक्वल की दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से हम आई का मान और आर का मान सिर्फ रखना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक परिस्थिति, अब देखो न्यूनतम है मतलब सभी कोण क्या होंगे, कम से कम होंगे, और सभी कोण अगर कम से कम होते हैं तो वहां पे एक चीज होती है कि अगर साइन के कोण का मान कम हो। ठीक है, कोण का मान अगर कम हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं थीटा। ठीक है, अगर कोण का मान कम हो तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई, और साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, और एन वन का मान तो कितना है, वन। ठीक है, सबका मान रख देते हैं, हमारे लिए क्या आ जाएगा, वन इंटू आई अपॉन आर। आई का मान रख देते, आई का मान क्या हो जाएगा, डी एम प्लस ए बाय टू, और नीचे क्या आ जाएगा, ए बाय टू, तो ऊपर नीचे से टू टू कैंसिल। अब ए क्यों कैंसिल नहीं होता, देखो बीच में प्लस है, डी एम प्लस, अगर सिर्फ ए होता तो यहाँ पे हम उसको कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा फाइनली फॉर्मूला आएगा एन टू इज इक्वल टू डी एम प्लस ए डिवाइड बाय ए। अब ए कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कौन हो जाएगा हमारा, एन टू ए इज इक्वल टू डी एम प्लस ए। अब प्लस ए इस साइड आएगा तो माइनस, तो डी एम के लिए फॉर्मूला आ जाएगा एन टू ए माइनस ए, दोनों में से ए को क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो डी एम के लिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ए एन टू माइनस वन। बस हमें किसके लिए चाहिए था, न्यूनतम विचलन कोण के लिए, और न्यूनतम विचलन कोण को हमने किससे दर्शाया था, डी एम से, तो इसके लिए हमें डी एम के लिए सूत्र निकालना था। तो ये सूत्र भी याद रखना, देखो यहाँ पे दो सूत्र होगा, एक सूत्र तो यह जाएगा, इस सूत्र को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म का समीकरण क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, तो फटाफट इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले और आराम से फिर नोट डाउन कर लेना। और ये भी देखो, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, JEE हो या नीट हो, हर जगह इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसमें से आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं और इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।